हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पुनीत एंड यू आर वॉचिंग पिया व्लॉग। आज के व्लॉग का कुछ ऐसा मोटिव नहीं था, ना कोई प्लानिंग थी बनाने की। सो एकदम से प्लानिंग होगी मेरी और यश की कि आज चलते हैं कुछ खाने। और एक बहुत स्पेशल शॉप है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, हर किसी को नहीं पता उस शॉप का। सुना जरूर होगा सबने, लेकिन विजिट नहीं हर किसी ने करी होगी, क्योंकि शॉप कुछ ऐसी जगह पे है कि हर कोई उस तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि काम ही नहीं पड़ता किसी को उधर जाने का, तो इसलिए हर कोई वहाँ पे जाता नहीं है। तो आज मैं आपको लेकर चलूँगा ऐसी एक शॉप पे। वहाँ का सामान जो है ना, बड़ा ही अल्टीमेट है। और फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया जो है, उनको भी वहीं से उसी शॉप से सर्व होती है वो आइटम। तो इंडिया के फर्स्ट पर्सन हुए अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो उनके प्लेटर में भी वो आइटम वहीं से जाती है जो आज हम खाने जाएंगे। तो बहुत फेमस शॉप है, बहुत पुरानी शॉप है, इवन 1943 से सर्व कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और पीएम को भी उन्होंने ही सर्व करा है। पीएम में अगर नाम ले चाहे, वो हमारे इंदिरा गांधी जी थी और राजीव गांधी जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, या फिर अपने करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके डिनर प्लेटर में भी उन्हीं की आइटम्स जाती हैं। और जो अपने APJ अब्दुल कलाम जी थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके प्लेटर में भी वहीं से जाता था खाने का सामान। तो क्या है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा एक बार वहाँ पहुँच के। सो ये रहा यश मेरे साथ, और मामा बैठे हैं उसके पीछे। और मेरे पीछे कौन बैठा है ये जानने के लिए भाई साहब ब्लॉग में बने रहो, आगे जाके दिखाऊंगा आपको मेरे पीछे कौन बैठा है। क्योंकि अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, बहुत फेवरेट फूड है मेरा जहाँ खाने जा रहे हैं। इस बार इंडिया का फेवरेट फूड नहीं है, वो मेरा फेवरेट फूड है। हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पता हो उसके बारे में, तो वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ मैं आपको क्या खाने जा रहे हैं। तो ये आगे हम सर्विस लाइन पे ITO वाली जो आती है आपका फिरोशा कोटला साइड से ITO रेड लाइट की तरफ, तो यहाँ पे जाना है आपने सर्विस लाइन में। और यहाँ पे भाई सबसे पुरानी शॉप है जोन सी, वहीं पे जाके रुकेंगे हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेस्टी भी उन्हीं का खाना है भैया का। सो वो मेरा फेवरेट स्पॉट है। एक ट्यूसडे को नहीं आ सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे ट्यूसडे को वहाँ पे आलू का पनीर के परांठे खाने को मिलते हैं, और उनमें मज़ा नहीं आता, कि आलू का परांठा घर का ही अच्छा लगता है मुझे। सो यहाँ पे करेंगे बाइक पार्क। सो यहाँ पे बाइक पार्क कर दी, और वो रहा सामने दीप ढाबा जहाँ पे जाना हमने अब। तो ये है हमारा नया राइडर भाई साहब, ऑफिशियली नए राइडर ने हमें ज्वाइन कर लिया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो ये है वो ढाबा, दीप ढाबा, जहाँ पे हम आते हैं खाने परांठे, और मेरा फेवरेट है यहाँ पे अंडे का परांठा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मंगवाते हैं आज। तो दीप ढाबे पे हम पहुँच गए थे और खाना कर दिया था ऑर्डर, और खाना आना शुरू हो गया अब यहाँ पे। तो खाने में मंगाया हमने भाई, ये तीनों बंदे वेज हैं, इनके लिए मंगाए हमने तीन आलू के परांठे, और मैंने मंगवाया अपना एग परांठा, क्योंकि मुझे वही यहाँ पे आकर खाना अच्छा लगता है। तो ये आ गया इनका आलू का पराठा। यस, अचार, और ये बटर, और ये भूखे खाने के लिए तैयार। मुँह से देख लो, इनके पानी आ रहा है नीचे, ये देख लो। इसलिए इसको बाहर आना पड़ता खाने के लिए रात को, है ना भी? अब मम्मी बोलेगी बहन चाप बना दे, ये कर दो, और इसके साथ हमें भी बाहर आके भाई खाना खाना पड़ता है। भाई कितने बड़े पलटू राम हो तुम दोनों, बना कर आई हूं खाना। तेरी बहन है, कितने बड़े पलटू राम है। सो जो परांठे हमने खाने थे खा लिए हैं ITO से, दीप ढाबा से, और अब आगे हमें मिल गई ग्रीन लाइट। तो हम जाएंगे अब कनॉट प्लेस से होते हुए नॉर्थ ब्लॉक की तरफ, पान खाने
जो कि स्पेशलिटी है यहाँ की। सो आईटीओ से ले लिया हमने राइट और अब जा रहे सीपी की तरफ। ये देख लो भाई लड़का जावा वाला कैसे चला रहा है। और ये देख लो हमारा राइडर आ रहा है आगे एक और। सो अभी हम जा रहे हैं मिंटो रोड पे बीजेपी के हेड ऑफिस के सामने से और यहाँ से लेफ्ट लेंगे हम सीपी के लिए और आगे का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। राष्ट्रपति भवन के पास जाना है हमने पान शॉप पे। सो पांडे पान शॉप है वो, वहाँ पे जाके खाएंगे पान आज भाई। इसका पान हमें ट्राई करवाया था मुकुल ने। सो इतना अच्छा लगा ना ये। तो आज की राइड पे हम वहीं जा रहे हैं, अपनी वाइफ को लेकर जा रहा हूँ मैं स्पेशली, क्योंकि वो पान की क्वालिटी मैं घर पे लेके आया था पान वो दो चार, तो सबको बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए आज मेरी वाइफ ने डिमांड करी कि मेरे को वो पान खाने हैं। तो मैंने कहा चलो बाइक राइड पर चलते हैं, इसी बहाने ट्राई करते हैं, अगर एक अच्छा सा व्लॉग बन जाएगा तो व्लॉग बना देंगे और साथों साथ आपको भी बता देंगे कि कहाँ पर आए हैं पान खाने। आरएमएल के सामने से अभी हम जा रहे हैं बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर और ये देख लो आगे बोर्ड आ गया भाई। बोर्ड पे ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है नॉर्थ एवेन्यू। तो यहाँ पे जाना है हमने, सेकंड नंबर का मतलब है सेकंड कट। सो ये फर्स्ट कट आ गया मेरे लेफ्ट में, छोड़ दिया हमने और ये आ गया सेकंड कट। अब यहाँ पे मुड़ेंगे हम नॉर्थ एवेन्यू के लिए, नॉर्थ ब्लॉक भी जिसे हम कहते हैं। और ये सामने जो चमकदार बिल्डिंग दिख रही है ना भाई, ये राष्ट्रपति भवन है और ये नॉर्थ ब्लॉक साइड से हम जा रहे हैं। सो ये नॉर्थ ब्लॉक आ गया, यहाँ से हम लोग लेफ्ट सर्विस लाइन में और सर्विस लाइन में लेफ्ट, तो सर्विस लाइन में लेफ्ट लेके ये देख लो चोर रस्तों से लेकर जा रहा है भाई मुकुल। सो भाई ये आ गए हम नॉर्थ ब्लॉक के अंदर बैक साइड पे सर्विस लाइन से, यहाँ हमें खाएंगे पान। सो हम आए हैं आज पांडेस पान पे जो कि सर्व कर रहे हैं प्रेसिडेंट हाउस को 1943 से ऑफिशियली। सो भाई यहाँ में इनकी मस्ती हो रही है, इनसे डिसाइड नहीं हो रहा कौन सा पान खाना है इन्होंने। बस दे ही दो इसको तो वो। कौन सा खाना है? और भाई ये चॉकलेट बॉय तो चॉकलेट पान खाएगा मेरे को लग रहा है इसकी शक्ल देख के। चॉकलेट ही खाता हूँ। चॉकलेट खाएगा ना? चॉकलेट बॉय चॉकलेट पान। कौन सा पान लिया भाई आपने? ब्लास्टर 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 एक बार ये खा के ब्लास्ट करेंगे, ये आगे से खाएंगे पीछे से ब्लास्ट करेंगे। हेलो खत्म हो गया। कौन सा खत्म हो गया? एक ही था ब्लास्टर ब्लास्ट कर दिया इसे तो मामा धमाका हो गया। जो जिसका मन भर गया हो शादी से जो अक गया हो मेरे पास आ सकता है ब्लास्टर। क्या हो गया फट सही में थोड़ी फटूंगा। अंकल अपने पास कितनी वैरायटी है पान की? 150 सर। पान में 150 वैरायटीज होती हैं। ओके तो जैसे आप ये जो हमारे मेन्यू में देख रहे हैं फर्स्ट ट्राई पान है। ओके और जैसे कुछ एक हमारे स्पेशल पान होते हैं जो सिर्फ वीकेंड्स पे अवेलेबल रहते हैं, जैसे बास्केट पान, मैंगो डिप पान, ब्लूबेरी पान, बटरस्कॉच पान। सो इसी तरीके से मोर देन 150 वैरायटीज है। डे वाइज हम लोग उसका अपना मेन्यू चेंज करते रहते हैं। ओके कुछ सीजनल फ्रूट्स के होते हैं, कुछ बेरीज के होते हैं, कुछ नट्स के। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी पान कि हर पान में हर चीज फ्रेश और नेचुरल है, गुलकंद के साथ में, नॉट आर्टिफिशियल फ्लेवर कलर। तो अगर आप इसको खाते हैं तो जो पान के बेनिफिट्स हैं वो तो आप ले ही रहे हैं, साथ में फ्रूट के भी बेनिफिट ले रहे हैं क्योंकि नेचुरल है। बेस्ट पार्ट ये है कि बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं पान बनाने के लिए और फ्लेवर अल्टीमेट है इसका। सर्विंग कर रहे हैं 1943 से और सर्व करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी, तो आप हिसाब लगा लो कि क्वालिटी कैसी होगी इसकी। सो भाई
दूसरी बार खाने आए हैं, बड़ा अल्टीमेट है। अगर दिल्ली में रहते हो, रात को खाना खाने निकलो तो जरूर आओ एक बार यहाँ पान खाने, खाना खाने के बाद, और मस्त ट्राई है। लास्ट पान बहुत अच्छा था, उसके अंदर गुलकंद और पिपरमेंट का टेस्ट आया था, मेरा मुंह भी तक ठंडा और गला भी तक ठंडा, अच्छा लगा। भगवान तेरे पर ठंड डाले। सो मैंने ऑर्डर करा है ब्लूबेरी पान, तो इसको खा के बताता हूँ मैं आपको इसका टेस्ट कैसा है। तो मिनट के बाद मैंने लिया भाई ब्लास्टर पान, अभी मेरे मुंह में, और सीरियसली ब्लास्टर है, मुंह में जाते ब्लास्ट हो गया। बहुत ही चिल टाइप का फ्लेवर आ रहा है इसमें, मिंट वगैरह का और गुलकंद का। तो जब भी यहाँ पे आओ कोई भी पान ट्राई करो, सारे अच्छे हैं, टेस्टी हैं, फ्रूटी हैं और हेल्दी हैं। तो इसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको नुकसान देगा या आपको हार्म करे। सो विजिट द पांडे पान, बेस्ट चॉइस आफ्टर डिनर हैविंग इन दिल्ली। अगर आप रात को बाहर डिनर करने आ रहे हो तो यहाँ पर जरूर आओ एक बार और पान ट्राई करो। शाबाश, वेरी गुड। अब रेस नहीं देनी, प्यार तो ऊपर कर ले। शाबाश दिव्य, उछाल दे भाभी, प्यार तो ऊपर करो भाभी। भाभी चक दे फटे नब दे किली सिरे जलंदा अच्छी दिल्ली। अब उस साइड सीवीआर चला के, बहुत डर लग रहा है, जान निकली पड़ी है, बच्चा मेरा वेट कर रहा है, मेरी मम्मी आई थी। तो सीवीआर मत चलाओ ना, पैदल चले जाओ, पहुंचोगे जल्दी। अगर आपने व्लॉग यहां तक देखा, आपको अच्छा लगा हो आज की राइड, सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को देता है नया कंटेंट और न्यू वीडियो लाने का मोटिवेशन। और इसी के साथ करते हैं व्लॉग की एंडिंग यहीं पर। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।